हेलो एंड वेलकम टू इजी कैम। टुडे वी विल स्टडी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो ये यूज़ किया जाता है एल्काइल अमीन्स को बनाने के लिए। बेसिकली प्राइमरी अमीन्स को हम इससे बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें लेना होगा थैलामाइड। थैलामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। सिंपल एक बेंजीन रिंग आपकी बनेगी। इससे आपको दो कीटो ग्रुप अटैच करने हैं। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, देखो कीटो ग्रुप होता है, सी ओ बॉन्ड है हमारा, और इससे अटैच कर देना है एक एन और एच, ठीक है। ये कहलाता है थैलामाइड। टी यहाँ साइलेंट होता है। ये हमारा थैलामाइड है। इसको हम ट्रीट करेंगे के ओ एच के साथ। जब हम इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ जो H है ये हट जाएगा और सिंपल आपका सेम स्ट्रक्चर है एज इट इज। आपको ड्रॉ करना है बेंजीन रिंग, कीटोन ग्रुप, एक एक N आ गया आपका और ये A और हमारा K पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने अटैच किया, यहाँ पे क्या आया। अब इसको ट्रीट करा देना है RX के साथ, आर एक्स एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम इसे ट्रीट कराएंगे तो हमारा ये जो है, देखिए बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज है। यहाँ सी सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एन, और देखो ये के हटा देना है आपको। अब के को क्या कर देना, आर से रिप्लेस कर देना। जो ये आर था यहाँ पर, अब ये आ गया। ये क्या बन गया हमारा, एन एल्काइल, एन एल्काइल थैलामाइड। थैलामाइड, ठीक है, एन एल्काइल थैलामाइड बन गया। अब इसको जब हम एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, ये जो हमारा एन एल्काइल थैलामाइड है इसको हमें ट्रीट कर देना है एक्वस NaOH। वो भी कैसा है, एक्वस वाला। इसको जब हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि इस स्ट्रक्चर में आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो देखो हमारी बेंजीन रिंग एज इट इज है, बेंजीन रिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके साथ जो अटैच्ड सी बॉन्ड है ये एज इट इज है, डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं है, ओ हमारा आ गया। अब क्या है, यहां पे आपको क्या कर देना, ओ एन ए पॉजिटिव और ओ एन ए पॉजिटिव। यहाँ के चेंजेस आप देखिए, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें बनानी है एमीन, और हमारी एमीन कहाँ से बनेगी, ये जो आर ग्रुप था इस आर ग्रुप से हमारी अमीन बन जाएगी। मतलब ये जो हमारा, देखो ये एन है और ये है, यहाँ क्या होगा, दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो है देखो ये एन आर, तो ये हो गया आर और एन एच टू। तो हमारी क्या बन गई, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स जो हम ये वाला आर लेंगे वही वाली अमीन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं कन्वर्जन के टाइम पर। और याद रखना अमीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, जितने कि आपने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के टाइम पर लिए होंगे, उतने ही अमीन, उतने ही कार्बन वाला आपको अमीन मिल जाएगा। इस प्रोसेस के साथ सिर्फ हम अल्काइल अमीन्स को ही बना सकते हैं। एराइल एरोमेटिक जो हमारी अमीन्स होती हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमें मालूम है कि एरोमेटिक जो हमारे होते हैं एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती इजीली। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एल्काइल एमीन्स का फॉर्मेशन होगा लेकिन एराइल एमीन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। आपके लिए मैं इसकी क्लियर एक व्यू दिखा देती हूँ, ताकि आप अगर नोट्स प्रिपेयर करना चाहें तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और थैंक यू वेरी मच, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।